राजस्थान में विधानसभा चुनाव में चुनावी सभाएं अपना रंग दिखाने लगी तो वहीं नेता चुनावी सभाओं में अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। देर रात बाली विधानसभा से बीजेपी से 5 बार के विधायक रहे पुष्पेंद्र सिंह राणावत जीवेंद्र कला में जनसभा के दौरान बोले कि शापा पहना दिया, घोड़ी बैठा दिया और बारात भी चलना है, दुल्हन भी लानी है आपको। शायराना अंदाज में राणावत को पहली बार देखा गया। इस दौरान जनसभा में महिलाओं और पुरुषों की भारी भीड़ देखी गई। उनके समर्थक में नारेबाजी कर जीत का आशीर्वाद दिया। गांव और ढाणी में राणावत को गुड़ से तोला गया। बोलो आप, अभी मैं रात को 10:30-11 बजे जीवन कला में ढाणी में हूँ। आप लोगों का जो रिस्पांस देख के ऐसे साफ जाहिर होता है कि सब लोग इस सरकार से बहुत दुखी है, क्योंकि कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी मतलब यहाँ जो कथाकथित नेता है, इन्होंने कभी 5 साल में आके कभी जनता को संभाला ही नहीं। और वो आज जो मोदी जी टिकट ले रहे हैं, वो मतलब कभी गाँव में कभी आई नहीं, लोगों से बीच में बैठे ही नहीं, कभी उन्होंने कभी पूछा ही नहीं कि आपको क्या काम कराना है। वो पूरे 5 साल बाली में एक भी गाँव में नहीं गए। और कभी उन्होंने, और जब सरकार कांग्रेस की थी, वो चाहते तो मतलब यहाँ काम करते, अच्छा काम कर सकते थे, क्योंकि मुख्यमंत्री कांग्रेस का था, उनके नज़दीक भी था, इनके मंत्री से इनकी अच्छी पहचान है, पर इनको विकास से उनको कोई लेना देना नहीं। मतलब उन्होंने 5 साल जनता, और सबसे बड़ी बात है कि हम तो स्थानीय कैंडिडेट है और बद्री जी मतलब थे जोधपुर से आके मतलब यहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो लोगों को मतलब ये भी लगता है कि हमारा कोई काम पड़ेगा तो मैं तो स्थानीय आदमी हूँ, जो मैं तो 1 घंटे में जीवन पहुँच जाऊँगा और इनके समा इनके लोगों के बीच में बैठ कर उनका काम समाधान करूंगा। और बद्री जी तो मतलब कभी 5 साल में नहीं आए, तो आगे भी इनको उनको भरोसा नहीं कि वो कभी आएंगे यार।